गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एसेंस ऑफ द उपनिषद से, जो ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज वाला स्टार्ट किया था. लाइफ इज एक्शन, वन शुड डिजायर टू लिव 100 ईयर्स बट ओनली बाय परफॉर्मिंग. नोबल एक्शंस. लाइफ इज एक्शन क्या है? लाइफ जो है वो एक एक्शन है. वन शुड डिजायर टू लिव 100 ईयर्स बट ओनली, यानी क्या है, हर कोई जो है 100 ईयर्स रहना जो है क्या चाहते हैं, बट ओनली परफॉर्मिंग नोबल एक्शंस. बट क्या है, हमें अपने अच्छे काम करने हैं. सुप्रीम सेल्फ इज रियलाइज्ड बाय प्रॉपर नॉलेज. सुप्रीम सेल्फ इज, यानी क्या है, अपने आप को प्रेफरेंस देना, रियलाइज करना, प्रॉपर नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रूथ एंड ऑस्टेरिटी. All efforts must be made to rise from the lower self to the higher self. जो भी efforts है वो lower self से higher self तक होने चाहिए. ये हमारे 11 उपनिषद है, ये हम already discuss कर चुके. अब हमारी 4 stages आती है life की. एक ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, और next वनप्रस्थ, और लास्ट है संन्यास. जो ब्रह्मचार्य होती है ये वो पीरियड होता है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट पीरियड होता है. शिप एंड डिसिप्लिन, स्टूडेंटशिप, यानी जो स्टूडेंट रहते हैं हम और जिसमें डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं. जो गृहस्थ आश्रम होता है वो होता है हाउस होल्डर्स का पीरियड होता है, जिसमें हम अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देते हैं. जो वनप्रस्थ होता है पीरियड ऑफ ट्रीट एंड लीडिंग अ लाइफ ऑफ अ फॉरेस्ट, जिसमें क्या है, एक लाइफ को एज अ जंगल, एक जंगल सा लगने लग जाता है. संन्यास आश्रम ये वो पीरियड होता है रिन्यूशिएशन एंड पीरियड ऑफ फीलिंग वन सेल्फ फ्रॉम ऑल द अटैचमेंट टू द वर्ल्ड. क्या है, जिससे क्या है, वर्ल्ड से जो सारी अटैचमेंट और फीलिंग है उससे रिन्यूएट हो जाते हैं. बुद्धिज्म ओरिजिन, यानी बुद्धिज्म स्टार्ट कैसे हुआ. बुद्धिज्म नियरली 2600 साल पहले स्टार्ट हुआ था, गौतम बुद्ध ने किया था, जो कि उनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ, उन्होंने शुरू किया था, जिनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल के पास में. बुद्ध जो थे प्रिंस थे बाय बर्थ, मतलब बर्थ से ही एक प्रिंस थे, और इस तरह हैप्पी रहते थे जिस तरह की एक प्रिंस रहता है. बुद्ध मैरिड यशोधरा, बुद्ध की मैरिज यशोधरा से हुई थी, एंड हैज़ अ सन नेम्ड राहुल, और उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल है. ही रिनोन्स्ड हिज वर्ल्डली लाइफ इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह स्टार्ट कर दिया था कि वो सिर्फ सच्चाई को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, जगह जगह जाते. ही गोट एनलाइटनमेंट, ही प्रीच्ड हिज एट फोल्ड पाथ, उसने अपना एट फोल्ड पाथ जो है प्रीच किया. एट फोल्ड पाथ मतलब राइट व्यू, बिल्कुल अपने क्या है, जो भी नजरिया है वो सच्चा हो, सही इंटेंशंस होनी चाहिए, सच बोलो, सही काम करो, सही तरीके से रहो, सही एफर्ट करो, सही मिंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशंस. फिर 4 नोबल ट्रूथ्स भी है हमारे यहाँ पे. लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, लाइफ क्या है, दुख से भरी हुई है. डिजायर इज कॉज ऑफ सोरो, क्या है, हर किसी सोरो को, दुख को डिजर्व करता है. वन कैन रिमूव सोरो बाय रिमूविंग डिजायर, क्या है, डिजायर को रिमूव करके दुख को रिमूव कर सकते हैं. दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग